फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बिल्कुल यूनिक रेसिपी। बहुत सारे लोग को ये पता भी हो सकता है और बहुत सारे लोग को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। अचार की रेसिपी, ये पेठा है। पेठा जिससे हम मुरब्बा बनाते हैं ना, ये वो वाला पेठा है। इससे अचार भी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपने कभी नहीं बनाया होगा तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 किलो से, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है पेठा, ये फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ा सा ऊपर से ये सूखा सूखा हो गया है, तो इसी से हम अचार तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कट लगा के छिलका हटा के पीसेस बनाने हैं। तो इस तरीके से हम पतला पतला पीस कट कर लेंगे। यहाँ से कट करके डंठल हटा देंगे, यहाँ से बीज और स्पॉन्जी भाग जो है वो भी हटा देंगे। जब तक मैं इस तरीके से पीस कट कर रही हूँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। सारे पेठा से मैंने पतले पतले स्लाइस की तरह पीस कट कर लिए हैं। अब इससे हमें छिलका हटाना है, इस तरीके से। और ये जो बीज है और सॉफ्ट से पार्ट है ना, उसको भी कट करके हमें हटाना है, इस तरीके से। और ये वाला भाग इकट्ठा करते जाएंगे एक दूसरे प्लेट में। सारे पेठा के पीस से सॉफ्ट भाग और बीज वाला भाग हटा दिया है और छिलका भी हटा के साफ कर लिया है। अब इसके हमें छोटे छोटे पीस कट करने हैं, जैसे हम लौकी कट करते हैं ना, वैसे ही कट करना है। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पीस कट नहीं करने हैं हमें, इस तरीके से। दिखाती हूँ मैं आपको, बिल्कुल पास से पीसेस मैंने कितने छोटे छोटे और पतले पतले पीसेस कट किए हैं। ऐसे ही आपको भी कट करना है। 2 ग्लास इतना पानी डाल लेंगे कढ़ाई में, गैस ऑन करेंगे, पानी में स्टीम आने देंगे। पानी में अच्छा सा स्टीम आने लग गया है। यहाँ पे कटा हुआ पेठा ले लिया है, ऐड कर लेंगे पानी में, उलट पलट कर देंगे। पेठा डालने से पानी का टेम्परेचर कम हो गया है, एक बार अच्छे से उबाल आने देंगे। और जब वो उबाल आ जाएगा, उसके बाद 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे पेठा के पीसेस को उबाल लेंगे। यह हमारा पेठा अच्छे से उबल चुका है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो गैस को कर लेंगे ऑफ और इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। निकाल के बर्तन में रख लेंगे। सारे पेठा के पीस को मैंने पानी से बाहर निकाल लिया है। अब इसे एक कॉटन के कपड़े पे फैला के 3 से 4 घंटे के लिए पंखे की हवा में हमें सुखा लेना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सूख जाना चाहिए। उबले हुए पेठा को मैंने इस तरीके से छन्नी में रख के 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा के नीचे छोड़ दिया था। इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो थोड़ा सा कम हो चुका है। तो चलिए इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। गैस ऑन करेंगे, एक पैन ले लिया है। गैस को अभी मैं बिल्कुल कम पे रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, 1 चम्मच सौंफ ले लिया है, ऐड कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच राई ले लिया है, यानी कि काली सरसों। 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून मेथी दाना। गैस को मीडियम पे कर लेंगे। मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इतना रोस्ट करना है कि मसालों की नमी निकल जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर आपके यहाँ धूप की सुविधा है तो आप मसालों को धूप में भी सुखा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेठा का क्वांटिटी बहुत ही कम लिया है, इसलिए मसालों की क्वांटिटी भी कम ली है। आप जितना बनाना चाहो उसी के अकॉर्डिंग मसाला भी लीजिएगा। मसाले गर्म हो चुके हैं तो गैस को कर लेंगे ऑफ। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद मिक्सी जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। फिर से मैंने गैस ऑन कर लिया है, पैन रखेंगे।
पैन में 3 से 4 बड़ा चम्मच सरसों ऑयल ले लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, धुआं उठने लग रहा है, तो गैस को कर लेंगे ऑफ। ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ऑयल हल्का सा गुनगुना रह गया है तो इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। 1 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे अचार में कलर बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून अजवाइन, इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। तैयार किया हुआ मसाला, सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे कलौंजी ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आपको पसंद हो तो ऐड कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून। अब इसमें पेठा ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को इस तरीके से उलट पलट करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अचार बिल्कुल कम तेल मसाले में बन के तैयार हो जाता है। आप इसे इंस्टेंट ही डेली खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, खट्टा खट्टा सा इसका टेस्ट आता है। अब इसे बिल्कुल साफ़ और सूखे मर्तबान में भर के रख लीजिए। धूप की सुविधा है तो 1 से 2 दिन धूप में रख दीजिए, धूप की सुविधा नहीं है तो 1 दिन मर्तबान में छोड़ दीजिए। 1 दिन के बाद इसे आप खाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार यह अचार जरूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जिनको रोज़ यह अचार खाने की आदत है उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, तो रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।